बोलो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख बाबा फखरुद्दीन। क्या आवाज शेख अहमद, मेरा साला है। हाँ, उन्होंने लोन लिए थे। हाँ, उन्होंने क्या करें, मेरा नंबर दे दिया। लोन वाले डेली मेरे को कॉल करा जी, तो मैंने उनको पूछा कहीं भी दिया मेरा नंबर होता है, जरा उनको सीधा बात कर। तो मैं आ रहा हूँ, हम दोनों मिल के गए घर पर जी। वही मेरे बेगम वो जाते कि अल्लाह 15 से 20 जने थे। फिर बाद में अल्लाह दोस्तों को और बुला लिए, हम दोनों से खा लिया जी पूरे मिल के। वो अकेला था, मार दिया उसको। आपको मार दिया? किसी से मारे आपको? हाथों से पलटा बना के, और बेजबाट थे लेकिन बेजबाटन से तो नहीं मारे, लेकिन थे बेजबाटन। और गोश्त की दुकान है वहाँ पे, वहाँ से चाकू उठा लिए थे वहाँ। तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से हमारे और एक जने पछाड़ने वाले ने उठा दिए मेरे को। इन्होंने मैं दोनों मिलकर वहाँ से निकल के चले गए सीधा पीएस को, सीधा गिरा। क्या हुआ आपके साथ? फिर ये मेरा ये है, और ये हाथ पकड़ो जी, और ये जरूरत है। सिर्फ आप नंबर कहीं को दिए पूछने गए तो ससुराल वाले आपके साले आपको मारे? नहीं, उन्हें कैसा करती तो उनको फोन बैंक वाली बोल के उल्टे सीधे बात हूँ मैं, बात कर रहा हूँ भाई, नहीं बोल के नहीं बोला हूँ। अरे भाई तुम्हारा लिया नहीं तो मेरा नंबर कहीं को दिए? मैं पूछूंगा ना भाई, 8 दिन पहले इनको बोला, इन्होंने बात भी करे घर पर, ये मेरा वाइफ है आशा। हाँ, फिर कुछ बहस वगैरह हुई थी क्या इससे पहले भी आप उनकी, आपके साथ? मेरे पर ऑलरेडी लोग 498 करे हुए थे जी। तो इन्होंने मेरे घर वाले रहते बोल के हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिए। हाँ, कर लेके हमने साथ में रह रहे, कोर्ट में विड्रॉ होगा केस। अच्छा, लेकिन अल्लाह नहीं रखना चाह रहे थे हम दोनों। अच्छा, आपके साले वगैरह नहीं रखना? नहीं रखना चाह रहे थे। अहमद शेख अहमद मेन है, बड़ा साला, बाकी के पूरे शेख अकबर है, अजमत है और बिलाल है, और उन लोग के दोस्ता हैं, उनकी पहलवान के भांजे वांदे हैं, कहते नहवाल में रहो, लेकिन पूरे थे लोग वहाँ पे। सीसी फुटेज भी है, उन पर भी बातचीत है। पीएस में कंप्लेंट दी आप? हाँ, दे दे। कौन से पीएस में दिए? फलकनुमा पीएस में दी। क्या बोला पुलिस वाले? पहले अल्लाह बैठे हुए थे वहाँ जाते किसी। अच्छा, अल्लाह बोले मेरे को देख के बोले तुम वहीं मारा बोल के बोले मेरे दोस्तों को लेकर। तो उनके गली में सीसीटीवी फुटेज है जी, वो चेक कर ले सकते। वहीं अकेला था मेरे वाइफ के साथ। फ़ोन करके गए थे आपने? हाँ, फ़ोन करके गया था। तो ठीक है, बोले बोले। हाँ ठीक। ये वाकया कहाँ हुआ सब? ये एमएस गार्डन की गली में, सालिन कॉलोनी एमएस गार्डन की गली में। ठीक है, शौहर को कितने दिनों से आ रहे थे। मैं हमारे अब्बा को भी फ़ोन करके बोली ऐसा फ़ोन आ रहे बोल के, उनको टॉर्चर हो रहा था, उनको बहुत फ़ोन आ रहे थे उनको, तो उन्होंने ऐसा फ़ोन करके बोलो बोले उन्होंने, तो मैं फ़ोन करके बोली भी मैं, फिर और लगातार फ़ोन आ चाह रहे उनको। उन्होंने यही बात करने गए थे, भाई लोन लिए थे लेकिन फ़ोन इनको आ रहे थे, मेरे शौहर को आ रहे थे, कहकर लोन लिए थे, नहीं मालूम मेरे को। आपके हस्बैंड के नाम पे? नहीं नहीं, नाम पे नहीं लिए थे। हाँ, विटनेस में थे उन्होंने, तो उनका नाम, उनका फोन आ, उनको कुछ फोन आ रहे थे, बहुत फोन आ रहे थे उनको। क्या लोन लिए थे जी? आपके भाई क्या लिए थे लोन में? क्या पैसे लिए थे? कुछ पैसे लिए थे उन्होंने, अदा कर दिए थोड़े, अभी बाकी भी थे अभी, वो अदा करने के वास्ते लोन वाली फोन हमारे भाई इनको फोन करी थी, हमारे शौहर को फोना फोना करे, वही बात करने गए मैं, इन दोनों अकेले गए थे, कोई नहीं थे साथ में हम लोगों के। वो लोग सालन कॉलोनी में थे, हमारे भाई अब्बा का घर है सालन कॉलोनी में, वही गए हम लोग। मेरा घर दूसरी जगह रहती, मैं शहर के साथ रहती हूँ अलग, वहाँ सालन कॉलोनी में थोड़ा दूर पे है मुस्तफा मस्जिद का, मैं रहती हूँ, हमारे अब्बा सालन कॉलोनी में रहते। मैं हमारे शहर अब्बा से बात करने गए थे, अब्बा लगा सब जने मिलके मेरे शहर को बहुत मारे, नीचे भी लड़ा के मारे उनको, बहुत बुरा बुरा मारे उनको। सब भी मारे? नहीं नहीं, हमारे अब्बा हाथ नहीं उठाए, सिर्फ हमारे भाया मारे, और कौन कौन थे नहीं मारे, उन्होंने लगा मारे, मैं नहीं पहचानती हूँ लोगों को। टोटल कितने लोग मिल के मारे? बहुत जनों मारे, 20-25 जनों थे कम से कम। पर ऐसी क्या बात हो गई थी? मैं बात ही नहीं करने दिया, लगा सीधा गाड़ी पे उतरते कि मारना स्टार्ट कर दिया, लगा पूरे के पूरे मेरे शौहर को। किस चीज से हमला करे? कुछ पहने हुए थे वो, लगा हाथ में क्या था दिख रहा नहीं था सही, लेकिन उससे मारे पूरा मुंह वो हो गया उनका, पूरा मुंह फूट गया उनका, मुंह में से पूरा खून जा रहा उनको, प्लास्टिक सर्जरी हो रही उनकी। आपके अब्बा के घर के अंदर घुस के मारे? नहीं नहीं, घर के अंदर नहीं मारे, बाहर ही ठहरे हम लोग, अंदर गए नहीं, बात ही नहीं करने दी हम लोगों को। हम लोग बात करने के इरादे से गए थे हम लोग, इन्हों किसको भी नहीं लेके गए साथ, मैं और इन दोनों थे, और इनके दोस्त आली बचाए उन्होंने, कुछ भी नहीं करे उन्होंने बेचारे, उन्होंने बचा कर लेके आए।
हमारे शोहर कुछ मारे और मेरे को भी थोड़े मारा लगे। हाँ मैं बचाने गई, मेरे भाइयों की वजह से मेरे को मारा लगे। उन्होंने पूरा शोहर नीचे गिर गए थे, उनको मारे उनको लिड़ा लिड़ा के उनको। बहुत बुरी है, अब तो वो प्लास्टिक सर्जरी हो रही उनकी, अब उस्मानिया दवाखाने में है। हाँ फलकनुमा पुलिस स्टेशन में कम्प्लेन करे अभी यहाँ का वो लेके आओ। बोले वहाँ देख के बोलते बोले भी जरा अभी खराब है अभी कंडीशन उनकी अभी। अभी ये 10 बजे के करीब हुआ है। तो वहाँ पे जो वाकया हुआ हादसे के दौरान वहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरास हैं वहाँ पे? हाँ हाँ है, है। निकाले सीसीटीवी कैमरे? नहीं नहीं निकाले। पुलिस वालों को बोले आप लोग सीसीटीवी कैमरे फुटेज के लिए? नहीं 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 बोले उन लोगों को। हम लोग कंप्लेन करके उनको बहुत दर्द हो रहा था, बोल के उस्मानिया दवाखाने में आ गए हम लोग। अभी फिलहाल उस्मानिया दवाखाने में छे, उनकी कंडीशन जरा खराब है उनकी, बोल के उस्मानिया दवाखाने में छे हम लोग। बोलिए यहाँ लड़ाई हुई हमारे, मेरे शोहर को मारे बहुत, मेरे भाया और मेरे और कौन कौन के रिश्तेदार लगा कौन है कि नहीं पहचानती मैं, लेकिन भाया इस सालन कॉलोनी में घर है मेरा अब्बा का, वहाँ पर वहाँ बुला के मेरे शोहर को बहुत मारे। जी हाँ मेरे भाया है वो पूरे मेरे मारे सो। हाँ सगे भाया है, शेख अहमद, शोहर का नाम शेख बाबा फखरुद्दीन है, भाया का नाम है शेख अहमद, शेख बिलाल, शेख अकबर, शेख अजमत, ये लोग पूरे मिलके मारे। और कौन कौन थे उन लोगों के साथ नहीं देखी मैं। हमारे शोहर को हमारे निकाले और लोग पहले के हम लोगों के रिलेशन जरा सही नहीं थे। हम मैं और मेरे शोहर अब 3 महीने से साथ रह रहे, हम दोनों हम लोगों की शादी होगी 7 साल हो गया। मैं उनके ऊपर केसा करी थी, वो केसा हटा दी, हो गया गया। अब हम दोनों अच्छे से रह रहे थे अब, लेकिन ऐसा हो गया अब अचानक। अब 3 महीने से हम दोनों साथ रह रहे थे, अलग रह रहे थे, हम दोनों अच्छे से रह रहे थे साथ एक दूसरे के साथ। आज ये ऐसा हादसा हो गया हमारे अब्बा के घर पे। अरेंज मैरिज थी आप लोगों की? जी हाँ अरेंज मैरिज थी हम लोगों की, एक बेटा है हम लोगों को। मारे इनको ऐसा मारे, इतना बुरा बुरा मारे उनको, मेरे सगे भाया मारे उनको। हम लोग सिर्फ बात ही करने गए थे घर पे उनके, बहुत बुरा बुरा मारे उनको, लिड़ा लिड़ा के मारे उनको नीचे। उनको मारने की वजह लोन, लोन है, लोन की वजह से मारे। कितने का लोन था? लोन कुछ 75,000 का था शायद, वो आधा आधा कर दिए थे, आधा प्ले करने का था। जी हाँ मारे लोन की वजह से मारे, मेरे भाया मारे उनको, मेरे सगे भाया मारे उनको, बहुत बुरा बुरा मारे, 3-4 भाया मारे मेरे। बिग व्हील किक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बिकवेल केक हाउस। बिकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी। बिकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।